भैया जी, खजूर तो आपने खाया ही होगा और आपको ये भी पता होगा जो खजूर हम इंडिया में खाते हैं उसे भारत में तैयार नहीं किया जाता है। दरअसल खजूर की सबसे ज्यादा खेती खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक में की जाती है और भारत इन देशों से इंपोर्ट करने में सबसे आगे है। दरअसल हमारे देश में खजूर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु मौजूद ही नहीं है, लेकिन नई वैज्ञानिक तकनीकों और टिशू कल्चर के द्वारा अब ऐसे बीज भी तैयार किए जा रहे हैं जिससे इंडिया में भी खजूर उगाया जा सकेगा और हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अब खजूर की इतनी जानकारी ले चुके हैं तो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि इतना सारा खजूर उगाते कैसे हैं, इसकी फार्मिंग कैसे होती है और फैक्ट्री में इसकी प्रोसेसिंग होती कैसे है। तो शुरुआत में स्थानीय जलवायु जहां खजूर की फार्मिंग होनी है उसके हिसाब से मॉडर्न टेक्निक से इन बड़े बड़े लैब्स में हाई क्वालिटी टिश्यू कल्चर की मदद से खजूर के छोटे छोटे प्लांट्स तैयार किए जाते हैं और कुछ दिनों तक इन पौधों को यही नर्सरी में ही सही देखभाल में बड़ा किया जाता है। जब ये पौधे प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाते हैं तब इन पौधों को फार्मिंग के लिए जमीन में लगा दिया जाता है और देखते ही देखते ये पौधा 1 से 2 सालों में फल देने लायक पेड़ बन जाता है। इन्हीं पेड़ों पर कुछ दिन बाद सैकड़ों टन खजूर लगने वाले हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ही पेड़ को छोड़ दें और खजूर लगने का इंतजार करते रहें तो वो कभी नहीं होने वाला है। पेड़ में खजूर लगने के लिए एक प्रोसेस करना होता है जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। ये खजूर का पेड़ एक लिंगी होता है जिसमें एक पेड़ केवल मादा का होता है और दूसरा नर का होता है और नर अलग अलग खजूर की किस्म होती है, इसलिए इसमें फल लगने के लिए इसको फर्टिलाइज करना होता है। जब मादा यानी फीमेल खजूर के पेड़ में फूल आ जाते हैं तो नर यानी मेल खजूर के पेड़ों से पोलन को निकाला जाता है और उसे इन फूल के बीच में ऐसे डालकर अच्छी तरह बांध दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन के कारण कुछ हफ्तों बाद ही खजूर में छोटे छोटे हरे रंग के फल आना शुरू हो जाते हैं और कई हफ्तों तक दिन भर सऊदी अरबिया की कड़ी गर्मी सहने के बाद ये फल पकना भी शुरू हो जाता है और पकने के बाद ही इसमें वो मिठास और खजूर का टेस्ट आता है जिसके हम इतने दीवाने हैं कि इंडिया खजूर को इम्पोर्ट करने में सबसे आगे है। तो अब जब ये खजूर अच्छी तरह पक चुके हैं तो बारी आती है हार्वेस्टिंग की। यहाँ पर कुछ इस तरह हाथों से ही इन स्वादिष्ट खजूरों को एक एक करके तोड़ा जाता है। अगर पेड़ छोटे होते हैं तो जमीन से ही खड़े खड़े खजूर को तोड़ लेते हैं, लेकिन जो पेड़ पुरानी होती है वो काफी लंबे होते हैं, इसलिए उन पर लगे खजूर को तोड़ने के लिए कुछ इस प्रकार के हाइड्रोलिक एलिवेटर्स पर चढ़कर ये वर्कर्स खजूर को तोड़ते हैं। यहाँ भी एक एक करके ही हाथों से खजूर को तोड़ा जाता है और इन सभी खजूर को इन ट्रे में जमा कर लेते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करके इन्हें आगे की प्रोसेसिंग के लिए डेट्स प्रोसेसिंग फैक्ट्री में भेजा जाता है। इस फैक्ट्री में सबसे पहले इन खजूरों में से खराब खजूर को छांटकर अलग किया जाता है और फिर अलग अलग कलर और साइज के आधार पर इनकी ग्रेडिंग की जाती है। अब आगे ये खजूर वॉशिंग यूनिट में चले जाते हैं जहाँ पर अच्छी तरह इस पर लगे धूल मिट्टी बैक्टीरिया को साफ करा जाता है और आगे ये खजूर इन रोलिंग ब्रश के नीचे से गुजरती है जिससे इन पर लगा पानी सूख जाता है। अब जो खजूर के ऊपर बची खुची गंदगी होती भी है उसे इस हाई प्रेशर एयर के द्वारा साफ कर लिया जाता है और आगे पैकिंग सेक्शन में जाने से पहले इसको इस सेंसर के नीचे से होकर गुजरना होता है। इस सेंसर के नीचे ये खजूर 360 डिग्री रोल करता हुआ आगे जाता है। ये सेंसर सबसे पहले तो खजूर में मौजूद बैक्टीरिया या अन्य अशुद्धियों को स्कैन करता है और यूवी लाइट के जरिए वो बैक्टीरिया भी खत्म कर दिया जाता है और यही 100% शुद्ध खजूर आगे पैकिंग एरिया में चले जाते हैं और अलग अलग क्वांटिटी में इनको अलग अलग पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है और फिर इन्हें भेज दिया जाता है अलग अलग कंट्री में और हाँ याद रखिएगा इंडिया में सबसे ज़्यादा। तो भैया जी, कुछ इस तरह रेडी हो जाती है खजूर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आगे आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और हाँ, हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा।